सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं इस बेल को ताकि इसी तरह की फ्री जानकारी आपको मिलती रहे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल घरेलू पंडित में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लहसुन सभी के घरों में पाया जाता है, इसे खाने के इस्तेमाल में भी किया जाता है, लेकिन लहसुन एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। लहसुन में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आमतौर पर लोग लहसुन खाते हैं, लेकिन कई बार लोगों को इसके खाने का तरीका नहीं पता होता। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप लहसुन को पकाकर खाते हैं तो आप लहसुन के सारे गुणों को नष्ट कर देते हैं, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। इसलिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि लहसुन को आप मसल कर 15 मिनट तक छोड़ दें और फिर इसके बाद इसका सेवन करें। ऐसा करने से ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, अगर आप लहसुन को तकिए के नीचे रखेंगे या फिर तकिए के नीचे रखकर सोएंगे तो इससे आपको क्या फ़ायदे पहुंचते हैं। दोस्तों, लहसुन के अंदर कुछ ऐसी गजब की शक्ति होती है जो आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। इसलिए जब भी आप लहसुन को तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो सोते समय आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको लहसुन खींच लेता है और उसके पास आपको अच्छी नींद आ जाती है। इसीलिए आपका मानसिक तनाव भी कम होता है और अगर आपको अच्छी नींद आती है तो अगले दिन आप सुबह तरोताज़ा उठते हैं, साथ ही आपका दिनचर्या बहुत अच्छा रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।